Hello students, so welcome once again to my channel. Okay, yesterday we have done about sentences that they have subject and predicate. Now we will do types of sentences. There are sentences of many types based on two things. One is their functional and one is structural. So today we are doing types of sentence based on their functions. So let's start. There are mainly five type of sentences: assertive, interrogative, exclamatory, imperative and optative. Assertive sentence को आप बहुत सारे grammar books में declarative के नाम से भी जानते हैं, पढ़ेंगे declarative, statement, इस नाम से भी जाना जाता है. Interrogative तो वही है. और optative sentence कई grammar की books में नहीं मिलता है, केवल four ही sentence टाइप्स बताए गए हैं, लेकिन मैं आपको ये पांचों के बारे में बताऊंगी. फर्स्ट वी विल टेक द डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, जिसको हम एफर्मेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं. असर्टिव सेंटेंस, देखिए डिक्लेरेटिव सेंटेंस को हम असर्टिव सेंटेंस भी बोलते हैं. और असर्टिव को हम तीन पार्ट में बांट सकते हैं. ओके, पहला एफर्मेटिव, यानी जो पॉजिटिव सूचना देते हैं, एफर्मेटिव. दूसरा हमारा होता है नेगेटिव, जो नेगेटिव सूचनाएं देते हैं. और तीसरा होता है हमारा इम्फेटिक, जिसपे हम इम्फेसिस करते हैं, जिसपे हमारा जोर होता है, इम्फेटिक. तो असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस को हम आगे तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. ओके, इसको हिंदी में जो हम बोलते हैं, ये बहुत ही सूचना देने वाले वाक्य होते हैं, है ना, जो हमको सूचना देते हैं. तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस इज अ मोस्ट बेसिक टाइप ऑफ सेंटेंस, सबसे बेसिक होता है ये. इसमें आपको इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है ना, विद अ पीरियड. पीरियड मीन्स फुल स्टॉप. फुल स्टॉप बहुत इंपॉर्टेंट है. पंक्चुएशन मार्क बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं. जैसे एग्जांपल देखिए, द बॉय वॉक्ड होम, तो लड़का अपने घर गया, फुल स्टॉप. सिंपल सेंटेंस है, इंफॉर्मेशन दे रहा है. आई लव हनी, ओके. ही वॉन्ट्स टू ईट कुकीज, कॉमा, बट ही डजेंट नो हाउ टू मेक देम. अभी जूनियर क्लासेस में आपने सिर्फ ये पढ़ा कि डिक्लेरेटिव टाइप के सेंटेंस होते हैं. अब डिक्लेरेटिव टाइप के सेंटेंस भी कुछ बड़े बड़े सेंटेंस भी होते हैं, जो कंपाउंड सेंटेंसेस होते हैं. जैसे कि ये वाला सेंटेंस है, ही वॉन्ट्स टू ईट कुकीज बट ही डजेंट नो हाउ टू मेक देम. सो यू कैन सी दिस सेंटेंस मेक स्टेटमेंट वेदर ऑफ फैक्ट या ओपिनियन. या तो इनमें कोई फैक्ट तथ्य है, या सलाह है, या ओपिनियन है, कुछ भी एक विषय है, है ना. ये सिंपल भी हो सकते हैं, कंपाउंड भी हो सकते हैं, किसी भी टेंस में हो सकते हैं. और इसका बेसिक जॉब क्या है, इंफॉर्मेशन देना, सूचना देना. तो इनको सूचना वाचक भी बोलते हैं. दिस मेक्स देम द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सेंटेंस. इसलिए डिक्लेरेटिव सेंटेंस सबसे कॉमन है, याद रखिए. इसके बाद फुल स्टॉप लगता है. ओके, इसके कुछ और एग्जांपल्स हम लेंगे. ही रन्स, शी सिंग्स, आई लाइक क्लाइंबिंग, फ्रैन इज सैड, माय कैट इज ब्लैक, डॉग्स आर क्यूट, ही इज 8 इयर्स ओल्ड, द स्काई इज ब्लू, He loves pizza, the car is white, ice is cold. Okay? Now compound declarative. मैंने जैसे आप बताया कि हम junior classes में केवल उनके types के नाम याद कर लेते हैं और एक एक उनके बारे में sentence याद कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा अब हम high level पे भी जाएंगे कि compound declarative sentence क्या होते हैं, जो दो related phrases को आपस में जोड़ते हैं. इन phrase को हम comma से जोड़ सकते हैं या कंजंक्शन लगा के भी जोड़ सकते हैं, जैसे एज, एंड, येट, बट, ये कंजंक्शंस लगा के जोड़ सकते हैं. या इन फ्रेजेस को एक सेमी कोलन क्या होता है, एक सेमी कोलन, एक बिंदी और एक नीचे कॉमा, विथ और विदाउट ट्रांजिशन, जैसे हाउ एवर, बिसाइड्स, देयर फॉर, इनके बिना, विथ और विदाउट, इन सब किसम चूज कर सकते हैं. तो आप देख रहे हैं कि कंपाउंड डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस बहुत कॉमन है, हम इनको बहुत यूज भी करते हैं लिखने में. जब हम अपनी राइटिंग स्किल्स की बात करते हैं, तो हमको कंपाउंड डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस लिखने आने चाहिए. फॉर गुड राइटिंग इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे देखो, ही वॉन्टेड टू प्ले फुटबॉल बट शी वॉन्टेड टू प्ले बास्केटबॉल. मैरी लव्स द बीच येट शी हेट्स सैंड. शी प्लेज द पियानो एंड ही सिंग्स अलोंग. शी हैड टू मेक द नेक्स्ट फ्लाइट. शी क्विकली पैक्ड हर बैग. द हाउस हैज न्यू विंडोज, however the roof still leaks, it had rained for days. ये देखो सेमीकोलन है, the town was flooded. तो आप देख रहे हैं कैसे सेमीकोलन, कॉमा का यूज करके, yet, and, but, ये सब
कंजंक्शंस लगा के, सेमीकोलन लगा के आप नया सेंटेंस को आपस में ज्वाइन भी कर रहे हैं और ये सब इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। सारे डिक्लेरेटिव सेंटेंस ही हैं, असर्टिव सेंटेंसेस हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस को हम हिंदी में आज्ञा सूचक वाक्य बोलते हैं। इसमें तीन चीजें इंफॉर्मेशन होती है। सबसे पहला होता है आपका एडवाइस होती है, एक होती है आपकी रिक्वेस्ट और एक होती है ऑर्डर। तो जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस में तीन चीजें मेन होती हैं कि इसमें या तो आपको रिक्वेस्ट मिलेगी, एडवाइस मिलेगी या आपको ऑर्डर मिलेगा, ठीक है ना। सो दे कैन बी इन फॉर्म ऑफ फ्रेंडली एडवाइस, बेसिक इंस्ट्रक्शंस और फोर्सफुल कमांड भी हो सकते हैं। कमांड माने ऑर्डर, जैसे प्लीज शट द डोर टू कीप आउट द बग्स, प्लीज रिक्वेस्ट मिले, टर्न लेफ्ट टू द ब्रिज, स्टॉप बॉदरिंग मी। अब आप देख रहे हैं कि कहीं कहीं पर इंपेरेटिव सेंटेंसेज में एक्सक्लेमेशन मार्क का भी यूज हो रहा है, ठीक है ना, और कहीं कहीं में फुल स्टॉप का भी। तो ये एक जो हमारे दिमाग में मिथ है कि इंपेरेटिव सेंटेंस मतलब फुल स्टॉप ही आएगा, ऐसा नहीं है। इंपेरेटिव सेंटेंस में कभी कभी एक्सक्लेमेशन मार्क भी आ सकता है। क्यों? जब हमको अपनी इमोशंस को हाईलाइट करना है, व्हेन वी हैव टू हाईलाइट द इमोशन, है ना। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कि इसमें हमेशा सब्जेक्ट जो होता है वो मिसिंग रहता है। जो सब्जेक्ट हमारा यू होता है, सेकेंड पर्सन में रहता है, सब्जेक्ट किस में रहता है, सेकेंड पर्सन यू में, वो हमेशा मिसिंग रहता है, उसको अंडरस्टूड समझना पड़ता है, ठीक है। जैसे यू डू दिस, यू हम लोग का डू दिस मतलब यू डू दिस, डू दैट यू डू दैट, जैसे स्टॉप बॉदरिंग मी यू स्टॉप बॉदरिंग मी, टर्न लेफ्ट एट द ब्रिज यू टर्न लेफ्ट एट द, प्लीज शट द डोर टू कीप द, यू प्लीज शट द डोर। तो यू जो है वो हिडन है। तो ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस की पहचान है। और एक और मैंने आपको इंपॉर्टेंट बात बताई कि फुल स्टॉप और एक्सक्लेमेशन मार्क दोनों आ सकते हैं। जब आपको इमोशन को हाईलाइट करना हो, भावनाओं को हाईलाइट करना हो, तो हम उसमें एक्सक्लेमेशन मार्क लगा सकते हैं। ये और सेंटेंसेस में प्रैक्टिस के लिए देख लेते हैं। पास द सॉल्ट, मूव आउट ऑफ माई वे, देखो इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क, भावना बता रहा है हटो मेरे रास्ते से। शट द फ्रंट डोर, ऑर्डर। फाइंड माई लेदर जैकेट, मेरी लेदर जैकेट ढूंढो। बी देयर एट 5, ऑर्डर है। क्लीन योर रूम, एडवाइस भी हो सकती है। कंप्लीट दिस बाय टुमारो, ऑर्डर, कल तक खत्म करो। कंसिडर द रेड ड्रेस, एडवाइस है, ये अली ज्यादा अच्छी है। वेट फॉर मी, गेट आउट, देख रहे हैं गेट आउट, इसमें फुल स्टॉप की जो एक्सक्लेमेशन है, इमोशन है, गुस्से से कह रहा है बाहर निकलो। मेक श्योर यू पैक वार्म क्लोथ्स, चूज इमोम नॉट सीएमएस, इसको चूज करो, इसको नहीं। प्लीज बी क्वाइट। तो आपने देखा ये सारे इंपेरेटिव सेंटेंसेज हैं। इन सब में किसी में रिक्वेस्ट है, किसी में एडवाइस है, किसी में ऑर्डर है, ठीक है। और सब में क्या है, यू जो है सब्जेक्ट छिपा हुआ है, यू सब्जेक्ट जो है वो हिडन है, और ये कोई फुल स्टॉप से एंड हो रहा है, कोई एक्सक्लेमेशन मार्क से। क्लियर? ये देखो और सेंटेंस है, प्री हीट द ओवन, यूज ऑयल इन द इंस्ट्रक्शन है, डोंट ईट ऑल द कुकीज, रिक्वेस्ट डिमांड, स्टॉप फीडिंग द डॉग फ्रॉम द टेबल, कम आउट विथ अस टू नाइट, इन्विटेशन है ये, प्लीज ज्वाइन अस फॉर डिनर, इन्विटेशन, चूज द आयश वोल्फाउंड नॉट द जर्मन शेपर्ड, एडवाइस, वेयर योर गोल्ड नेकलेस विद द ड्रेस, एडवाइस, रिक्वेस्ट एडवाइस, रिक्वेस्ट एडवाइस, इन्विटेशन, यही है। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसकी स्पेलिंग अच्छे से याद करिएगा, इंटरोगेटिव लिखते हैं, ओके। इंटरोगेटिव सेंटेंस मतलब आस्क क्वेश्चन, जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, और इसके आखिर में हमेशा एक क्वेश्चन मार्क होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन मार्क लगाना। व्हाई डज द सन शाइन, हूज डॉग इज इट, इज दैट, विल शेरी गेट टू कीप ऑल हर लॉटरी विनिंग्स। मैनी इंटरोगेटिव स्टार्ट विथ क्वेश्चन वर्ड्स, हाउ, वाई, ये सब। पर कुछ दो तरह के क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, एक जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं हाउ वेट, और एक हेल्पिंग वर्ब से। तो ये ध्यान रखिएगा कि दो तरह के होते हैं क्वेश्चंस, क्वेश्चन जो हेल्प उनसे क्वेश्चन वर्ड से बनते हैं, और दूसरे हेल्पिंग वर्ब से, येस नो वाले होते हैं। दैट बिगिन विद द वर्ब इंस्टेड ऑफ नाउन, इट इज इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट इंटरोगेटिव सेंटेंस स्टिल रिक्वायर अ नाउन एंड अ वर्ब टू कम्प्लीट। अब देखो आप जो आपके क्वेश्चन वाले हैं, क्वेश्चन वर्ड वाले तो क्वेश्चन से ही शुरू होंगे, हाउ, वॉट, इसी से शुरू होंगे, लेकिन जो आपके हेल्पिंग वर्ब वाले हैं वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, ठीक है ना। तो वर्ब पहले आएगी उसमें, जैसे आर यू गोइंग फॉर पार्टी, आर यू गोइंग फॉर पार्टी, तो आर से शुरू हो रहा है, ठीक है ना। तो ये इसमें वर्ब पहले आ रही है, उसके बाद उसमें सब्जेक्ट आ रहा है।
अब ओपन एंडेड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ओपन एंडेड मतलब क्या होते हैं, जो क्वेश्चन इनसे बनते हैं, हु हूज हुम व्हम व्हेन, ये क्वेश्चन वर्ड से बनते हैं, ठीक है। और इसका पैटर्न क्या होता है, क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड प्लस उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट की वर्ब, बताइए। जैसे हमने कहा वेयर आर यू गोइंग, तो क्या आता है पहले वर्ब, पहले वर्ब फिर सब्जेक्ट। इसको और अगर हम डिटेल में ले लेंगे तो हम बोलेंगे क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, ओके। अगर अगर इसमें दो वर्ब हैं तो हम इसको इस तरह से लेंगे, और एक ही है तो ये हेल्पिंग वर्ब यहाँ आ जाएगी, ठीक है। जैसे व्हेन इज द डेडलाइन, इज हेल्पिंग वर्ब है फिर सब्जेक्ट है, ठीक है। ये सब ओपन एंडेड क्वेश्चन इनसे बनते हैं, इनको ओपन एंडेड बोलते हैं। टू स्टार्ट योर ओपन एंडेड क्वेश्चन यू कंटिन्यू विद द वर्ब और सब्जेक्ट, मैंने आपको बता ही दिया। इसका फॉर्मूला याद रखिए हमेशा, क्वेश्चन वर्ड का, सेंटेंस का फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन का फॉर्मूला क्या होता है, जब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के आगे आ जाती है, बस इतना याद रख लो, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के आगे लगा दो तो क्वेश्चन बन गया, सिंपल। एग्जामिन एग्जाम्पल्स बिलो, ये देखिए पढ़ते हैं। व्हाट इज द राइट टाइम टू आयरन अ शर्ट, इज राइट वे टू आयरन द शर्ट। व्हाट आर द बेस्ट डेज टू गो टू द मॉल, वेयर इज योर न्यू कैट, व्हाई इज द स्काई ब्लू, हाउ आर यू टूडे। आप देखा है सब में फॉर्मूला, क्वेश्चन वर्ड अगर है तो क्वेश्चन वर्ड पहले आ गया, लेकिन पीछे वही है हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट, क्लियर। अब ये देखो इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब वाले, कभी किसी किसी में हेल्पिंग वर्ब डिड आ जाता है। अभी जब मैं आपको टेंस पढ़ाऊंगी तो ये बताऊंगी आपको कि केवल दो ही टेंस हैं जिनमें हेल्पिंग वर्ब आती है शुरू में, बीच में, इसके प्रेजेंट और पास्ट, डिड और डूडज वाले, है ना। बाकी सब में तो आपको मिलेगा ही वर्ब, जैसे व्हाई डिड सूजी लीव सो लेट, सूजी इन दोनों के बीच में सैंडविच, व्हाई डिड सूजी लीव सो लेट। तो आप देखिए फॉर्मूला हमारा वही है, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, आ गया ना, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के सब्जेक्ट जो है वो सैंडविच है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में, ठीक है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कैसे हैं, डायरेक्ट है। Who did you give the last cookie to? Why was she grumpy yesterday? Where did I leave my car keys? तो आपको संग संग इनका कंस्ट्रक्शन भी सीखना है, टाइप भी सीखना है कि क्या टाइप है, इनको पहचानना भी सीखना है, और संग में इनको कैसे कंस्ट्रक्ट करना है, ये फॉर्मूले को भी याद कर लिए। अदर टाइप वाले जो हैं वो येस नो वाले हैं, अभी हम पहले मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो इनको येस नो भी कहते हैं, या हेल्पिंग वर्ब से बनने वाले क्वेश्चन भी होते हैं ये। जैसे आर योर शूज ऑफ, आर योर शूज ऑन, डिड यू ईट लंच येट, वॉज द मूवी इंजॉय, इन सब के आंसर हम येस या नो में देते हैं। इन सब के आंसर क्या देते हैं, ये कॉम्प्रीहेंशंस में अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं बच्चों, तो आपको ये बहुत ध्यान देना है कि इसमें येस नो जरूर लगाएं पहले, फिर उस आंसर को एक्सप्लेन करें। कई बार क्या होता है कि आप येस नो नहीं लगाते, जैसे आर योर शूज ऑन, ये तो आप लिख देते हैं नो नो येस, कुछ नहीं लिखते, ही वॉज वेयरिंग हिज शूज। एक्चुअली में आपने उस क्वेश्चन का आंसर दिया ही नहीं, आपको लिखना था येस ही वॉज वेयरिंग हिज शूज, नो ही वॉज नॉट वेयरिंग हिज शूज, एक्सप्लेन करना है, येस नो जरूर लिखना है। जैसे डिड यू ईट लंच, येस या नो, वॉज द मूवी इंजॉयबल, येस नो, डिड द गर्ल्स गेट टू स्कूल ऑन टाइम, येस या नो, वर यू लेट टूडे, येस या नो, ठीक है। तो अब आपको इंट्रोगेटिव क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए होंगे। अब हम आते हैं एक्सक्लामेटरी में। एक्सक्लामेटरी बहुत कुछ डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस की तरह ही होते हैं, है ना। जैसे डिक्लेरेटिव वो स्टेटमेंट की जगह एक क्वेश्चन है, पर इसमें मेन चीज क्या है, ये इमोशन को एक्सप्रेस करते हैं। जैसे आपने वो पढ़े थे वहां पर, जब मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाए थे तो आपको लास्ट वाला वो पढ़ाया था, है ना, जो इंटरजेक्शन इंटरजेक्शन था ना, वो भी इमोशंस को बताते हैं वो वर्ड्स। तो वही सारे वर्ड्स इसमें भी यूज होते हैं और ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बनते हैं, ठीक है। इसमें बहुत आसान है इनको पहचानना, इनके पीछे एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। आई सेड आई वॉन्टेड टेकोज इंस्टेड ऑफ पिज्जा, हाउ वेल ही सिंग्स, वाओ ही जस्ट वन अ गोल्ड मेडल। अब यहाँ देखो ये वाओ, वाओ एक एक्सक्लेमेटरी वर्ड है ना, एक इंटरजेक्टरी वर्ड है ना, वाओ पढ़ाया था मैंने आपको। अब इसके बाद इन्होंने कॉमा लगा दिया, ही जस्ट वन अ गोल्ड मेडल, ठीक है। तो ये दो अलग अलग सेंटेंस नहीं है, सेंटेंस एक ही है। फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए हमने इंटरजेक्टरी वर्ड यूज किया, कॉमा लगा दिया, ठीक है ना। अब आपने देखा इन सब में भी सब्जेक्ट आ रहा है, उसके बाद क्या आ रहा है, वर्ब आ रही है,
है ना, ही सिंग्स, आई वॉन्टेड, ठीक है। तो ये विच इज स्टिल रिक्वायरमेंट फॉर कंप्लीट सेंटेंस के लिए दोनों चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ती है हमेशा, सब्जेक्ट और वर्ब, ठीक। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम लोग कॉन्वर्सेशन में ज़्यादा यूज़ करते हैं, बातचीत में यूज़ करते हैं, रिटन डायलॉग्स में यूज़ करते हैं, है ना। लेकिन इसको हम कोई जब ऐसे लिखते हैं या कोई एकेडमिक राइटिंग कर रहे होते हैं तो उसमें हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का यूज़ नहीं करते। इसको हम बातचीत में और डायलॉग्स लिखने में, जैसे अगर हम कोई डायलॉग बना रहे हैं तो हमको ये बहुत ज़रूरी है इनको लिखना, या अगर आप कोई इस टाइप का कुछ लिख रहे हैं, डिबेट लिख रहे हैं, तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं इसको। एग्जाम्पल्स देखिए, जैसे है ना, स्ट्रॉन्ग इमोशन को बताते हैं, हैप्पी बर्थडे एमी, थैंक यू शेल्डन, ठीक है। हैप्पी बर्थडे के बाद कॉमा आ रहा है, एमी के बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क आ रहा है, ये नोट करिएगा। थैंक यू शेल्डन, आई हेट यू, आइसक्रीम संडेज आर माई फेवरेट, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आर पावरफुल दैट दे स्टैंड अलोन, फॉर एग्जाम्पल, बिल्कुल अपने अकेले खड़े रहते, वाओ आई रियली लव यू, वाओ कॉमा आई रियली लव यू, फैंटास्टिक, लेट्स गो। इसमें आपने देखा है कि इसमें सेंटीमेंट्स को आपने दो पार्ट्स में नहीं बांटा, केवल एक कॉमा लगा दिया है, एक पॉज, जब पढ़ने वाला जो होगा, डायलॉग बोलने वाला होगा, वो पॉज अपने आप लेगा, वाओ आई रियली लव यू, ऐसे नहीं बोलेगा वाओ आई रियली लव यू, क्योंकि कॉमा लगा है ना, तो वहाँ पे ब्रेक लेना ही पड़ेगा। तो ये एक्सक्लेमेशन मार्क पे आप एक्सक्लेम करेंगे। अब देखो, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस व्हाट से भी शुरू होते हैं, हाउ से भी शुरू होते हैं, और सो से भी शुरू होते हैं, और कुछ इंटरजेक्टरी वर्ड लगा के भी बनते हैं, ठीक है ना। व्हाट अ लवली बुके ऑफ फ्लावर्स, व्हाट अ क्यूट पपी, व्हाट एन अगली बग, व्हाट अ हैप्पी एंडिंग, देखो ये सब एक्सक्लेमेटरी हैं। फिर हाउ वाले, हाउ ब्राइट दे हैव ग्रोन इन द सनलाइट, हाउ वेल ही लिसन, हाउ स्लो दे क्रॉल, हाउ फास्ट यू रन, सो लगा के, दैट बर्थडे केक वॉज सो गुड, शेल्डन्स गिफ्ट वॉज सो अमेजिंग, आ दैट बग इज सो अगली, आई एम सो मैड राइट नाउ। तो आप देख रहे हैं, एक्सक्लेमेटरी जितने भी हैं, ये आपके जॉय भी बताते हैं, लव बताते हैं, सरप्राइज बताते हैं, एंगर बताते हैं, ठीक है ना। तो ये सब शी इज एक्चुअली, ये आपके बोलने के स्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसमें कौन सा फीलिंग को ऐड कर रहे हैं। उसी चीज़ को आप गुस्से में कहते हैं, जैसे आप ये सेंटेंस है, हाउ स्लो दे क्रॉल, कितने धीमे धीमे रेंग रहे हैं, इसको आप गुस्से से भी बोल सकते हैं, हाउ स्लो दे क्रॉल, कितनी गुस्सा आ रहा है। आश्चर्य से भी बोल सकते हैं, हाउ स्लो दे क्रॉल। तो आप देख रहे हैं, तो आपके बोलने पे इसका बहुत इफेक्ट पड़ेगा, फीलिंग कौन सी है। लास्ट आता है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस, इसको हम लोग बोलते हैं इच्छा सूचक वाक्य। इसमें द सेंटेंस, ये प्रेयर, प्रार्थना, कीन विश, कर्स, बद्दुआ, ये सब चीज़ें आती हैं, है ना। ये स्टार्ट ये मे या विश से शुरू होते हैं, मे यू लिव लॉन्ग, आई विश यू, है ना, ऐसे। मे इसमें ज़्यादातर हिडन रहता है, ठीक। देखो जैसे, मे द किंग ऑफ वेस्टरस लिव लॉन्ग, लॉन्ग लिव द किंग ऑफ वेस्टरस, मे यू टू लिव लॉन्ग इनफ टू सी योर ग्रैंड चिल्ड्रन, मे गॉड ब्लेस अस ऑल, मे यू बिकम सक्सेसफुल इनफ, मे, ये सब सेंटेंसेज जो हैं ये ऑप्टेटिव सेंटेंसेज हैं, इनको पहचानना बहुत आसान है। और इन सब के पीछे भी आप देख रहे हैं, किसी के पीछे एक्सक्लेमेशन मार्क है, किसी के पीछे फुल स्टॉप है, ये डिपेंड करता है ऑन द फीलिंग। अब आप देखिए, जो सबसे इम्पॉर्टेंट, व्हाई वी हैव टू लर्न दीज टाइप्स ऑफ सेंटेंस, क्यों पढ़ रहे हैं हम ये टाइप्स ऑफ सेंटेंस, इसको कोई पूछा तो जाता नहीं है एग्जाम में, ना कोई उस पर नंबर है कोई, इसलिए पढ़ रहे हैं कि आप पहले इस पैराग्राफ को एक बार पढ़िए और फिर आप देखिए कि अगर आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंस आते हैं तो आप पैराग्राफ राइटिंग कितनी अच्छी कर सकते हैं। जैसे, माई फेवरेट स्पोर्ट इज बेसबॉल, आई लाइक, आई विल बी हैप्पी वॉचिंग बेसबॉल 24 आवर्स डेज, इफ आई हैड टू पिक वन स्पोर्ट फ्रॉम ऑल द रेस्ट आई विल चूज बेसबॉल हैंड्स डाउन, आई विश आई कुड वॉच अ गेम टुनाइट इवन दो बेसबॉल सीजन इज मंथ्स अवे। तो एक्साइटिंग बिल्कुल नहीं है, है ना, बोरिंग सा है ये, इसको ऐसा मन नहीं हो रहा कि पढ़ें, ठीक है। अब आप देखिए, अब आप इसमें फोर टाइप ऑफ सेंटेंसेस को यूज़ करिए, चारों टाइप के सेंटेंस जो मैंने आपको पढ़ाए उनको यूज़ करिए, फिर आप बनाइए। अब आप देखिए कैसे लिख सकते हैं, डू यू हैव अ फेवरेट स्पोर्ट, आई डू एंड इट्स बेसबॉल, देयर इज अ रीजन, बेसबॉल इज अमेरिकाज फेवरेट पास टाइम, इट्स ऑन द एज ऑफ योर सीट बाइटिंग योर फिंगर नेल्स, एक्साइटिंग, इफ आई कुड वॉच बेसबॉल 24 आवर्स डे लाइफ वुड बी कंप्लीट, एक्चुअली आई हैव मेमोरेबल मूवमेंट्स इन बेसबॉल रिकॉर्डेड ऑन माई DVR. I think I'll watch it right now and get it in the baseball spirit, even though baseball season is months away.
अब आप देख रहे हैं इस उसी पैराग्राफ को, उसी आइडिया को हमने ये चार सेंटेंसेस टाइप्स के यूज करके किया। इंट्रोगेटिव से शुरू कर रहे हैं, फिर हम इंफॉर्मेटिव सेंटेंस एसर्टिव्स लगा रहे हैं, ठीक है ना। बीच बीच में हमने एक्सक्लेमेशन वाला सेंटेंस भी यूज कर लिया है, और हमने इसको कंपाउंड सेंटेंसेस बनाए इंफॉर्मेशन देने के लिए, फुल स्टॉप कॉमा सबका यूज कर रहे हैं। तो अब आप देखिए कितना एक्साइटिंग, कितना अच्छा पैराग्राफ ये बन गया। तो व्हेन यू आर राइटिंग, प्लीज मैं आपसे बार बार बोलती हूँ, पैराग्राफ राइटिंग का मैंने जब आपको वीडियो बना के दिया था उसमें भी मैंने बोला था कि स्टाइल लाइए, वैरायटी, देयर शुड बी वेरिएशन इन योर राइटिंग। अगर आपकी राइटिंग में वेरिएशन है तो आपके नंबर हमेशा अच्छे आएंगे पैराग्राफ राइटिंग में। प्लीज इसको दो चार प्रैक्टिस करिए जरूर पैराग्राफ्स को। अब हम आते हैं, ओके, ये वही है कि फीलिंग ऑफ इमोशन, लेवल ऑफ एक्साइटमेंट एंड पंच इन द सेकेंड पैराग्राफ इज ऑब्वियसली मोर इंगेजिंग। आपको इसमें इमोशन मिल रहा है, एक्साइटमेंट मिल रहा है, और एक पंच है, पंच माने एक किक है जो आपको इस पैराग्राफ को पढ़ने पे विवश कर रही है। ठीक, नाउ ये कुछ सेंटेंसेज हैं, इनको आप पहचानिए। विल द टीचर बी लेट, इंट्रोगेटिव। ही स्कोर्ड अ गोल, यस, एफर्मेटिव, डिक्लेरेटिव। आई कंप्लीटेड माई कॉलेज एप्लीकेशन, एसे, यस, डिक्लेरेटिव। Read this book now. Imperative. The trip was exciting. The trip was exciting. ये कैसा sentence है? ये imperative है, है ना? इसमें exclamation mark है भले ही, लेकिन ये वो नहीं है। Who graduated at the top of a class? Interrogative. Shut the door. Imperative. What a cute dog. What a cute dog. Exclamatory. Peanut is better than jam. Declarative. Brush your teeth. Imperative. Okay, अब हमने ये four type of sentences पढ़े। तो अगर आप इसको paragraph writing में use करते हैं तो आपको ये monotonous नहीं होगा, boring नहीं होगा। You should use interrogative sentence to hook readers and create depth of your story. Story writing में भी आप interrogative sentences को जरूर use करिए, उसमें जरूर डालिए, आपने readers को अपने उसमें फंसाने के लिए, उनको पढ़ाने पढ़ने पर विवश करने के लिए, है ना। और पैराग्राफ राइटिंग को ब्यूटीफुल फ्लो लाने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस को यूज़ करिए। हाँ, लेकिन जब आप कोई फिक्शनल वर्क करते हैं या फॉर्मल डॉक्यूमेंट करते हैं तो बहुत बैलेंस रखिए इन सेंटेंसेस का, तब आप ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का यूज़ नहीं करेंगे। एक बैलेंस ऑफ वर्ड कंस्ट्रक्शन और स्ट्रक्चर आपके दिमाग में होना चाहिए। ओके, विद दिस आई एंड माई वीडियो एंड आई रिक्वेस्ट यू टू बी स्टे सेफ, स्टे इनसाइड योर हाउस एंड स्टडी एट होम। आई होप ऑल ऑफ यू आर स्टडिंग एंड स्टेइंग सेफ। With this, please subscribe the channel and wait for my next video, which will be on types of sentences based on their structural. This was based on functional. Thank you. Have a nice day. Bye.